क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल अल्किन। अल्किन की स्टेबिलिटी डिटरमिन करना है, और अल्किन की स्टेबिलिटी हम कभी भी डिटरमिन करते हैं तो क्या यूज करते हैं, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, जिस किसी भी अल्किन में जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उस अल्किन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये तो आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। अल्किन में हम हाइपर कंजुगेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे सी एच थ्री, ये सी एच डबल बॉन्ड, ये सी एच भी इसके बाद में ये सी एच थ्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है ये आपका, इसे हम अल्फ़ा कार्बन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उसमें उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, और जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है उस अल्किन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल में अगर आपसे पूछा जाए कितना हाइपर कंजुगेशन होगा, तो यहाँ पर थ्री अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, इस अल्फ़ा कार्बन के पास में थ्री अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3+3, यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, इसी बेसिस पर क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये आपका कार्बन है, कार्बन इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन। इन दोनों कार्बन ने एक ही बॉन्ड शो करके रखा है, मतलब हर एक कार्बन के पास में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उसमें उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, और एज रिजल्ट वहाँ पर उतना ही ज़्यादा और जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उसमें उतना ही हाइपर कंजुगेशन, और एज रिजल्ट उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। अच्छा, बी वाला जो कंपाउंड डला हुआ है, तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पर भी आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया। अब यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गए, इस अल्फ़ा कार्बन के पास में भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो अब बोलिए कितना टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गया भाई। अरे, अल्फ़ा हाइड्रोजन तो सेम हो गया दोनों में, ठीक है। एनीवे, अगर सेम अगर आप चलें, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इस कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। तो हर एक अल्फ़ा कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब हर एक अल्फ़ा कार्बन के पास में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये आपका 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाता है। 3, 4, 12, कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गया भाई, बताइए कितना होना चाहिए, यहाँ पे आ गया 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, डी वाले में अगर आप चलें, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, या इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये आपका अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाते हैं, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब ये कंडीशन आपको चेक करना है, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उस अल्किन का स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्लियरली आप देख सकते हैं, सिंस सी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गया ना भाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन एक ये राइज होता है कि अगर ए एंड बी में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो दोनों में क्या हो गया, दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम है, तो हम हाइपर कंजुगेशन से आंसर ना करके हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अल्किन आपके जी आई भी शो करते हैं, अल्किन क्या शो करते हैं, जी आई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि ये आपका ट्रांस फॉर्म जो होता है इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म होता है, क्योंकि ट्रांस फॉर्म में जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, रिपल्सन कम होता है तो एनर्जी कम हो जाती है, एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो अब बताइए इसमें जो ए कंपाउंड डला है किस फॉर्म में डला हुआ है भाई, आपका ये सिस फॉर्म में डला है, बी कंपाउंड किस फॉर्म में डला है, आपका ट्रांस फॉर्म में डला है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि ए और बी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, आप लोग आंसर करेंगे बी इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि बी में अल्किन ट्रांस फॉर्म में डला है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा होना चाहिए, सी ऑप्शन।